हेलो नमस्कार जय जय आप, वेलकम टू हिमाचल यूथ अड्डा। आज इस अड्डे पे बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा जारी की गई एक एडवर्टाइजमेंट की। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड भी कहना जाता था किसी टाइम में, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी की है एक एडवर्टाइजमेंट। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को कंप्लीट स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, कब कब आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। ये सब चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। हमारा ये चैनल अभी नया है तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलते हैं। गाइस, ये रही नोटिफिकेशन आपके सामने। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की है 1 मार्च 2019 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी 5 मार्च 2019 से और लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2019 रात के 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे जिन जिन दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है उनको शुभकामनाएं, और जिन मेरे दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया है अब तक वो hpssb.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें और अप्लाई करें। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट की जा सकती हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशंस का कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और आपने जब फॉर्म भर लेना है तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले लेना है और उसे रख लेना है। फ्यूचर में जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आप लेके जाएंगे अपने, तो साथ में इस डाउनलोडेड कॉपी को लेके जाओगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की आप साथ में लेकर के जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है सभी कैंडिडेट्स की इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो डिग्रीज आपके पास हैं वो सब आपके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, यानी कि आपके जितने भी डिग्री और डिप्लोमा हैं आपके पास 4 अप्रैल 2019 से पहले आपके पास वो होने चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या आप उसके बाद अपेयर करने जा रहे हैं उस डिग्री में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कहा गया है कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट बताई गई 738 जिसका कोड है, नीचे देखेंगे हम आगे चलकर इस वीडियो में कौन सी 738 पोस्ट कोड, उसमें 18 से 30 साल तक की ही एज लिमिट मांगी गई है। और ये जो है 1/1/19 पर रिकॉन की जाएगी, मतलब कि जिनकी एज 1/1/19 से पहले 30 साल तक या 45 साल तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसीज को बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की, मीन्स कि ओबीसी का कैंडिडेट जैसे किसी पोस्ट के लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और कोई ओबीसी का कैंडिडेट अगर 46 ईयर्स की एज का है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया गया है और वो नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं। बाकी बात इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपने फॉर्म भरने से पहले इस वेबसाइट पर जाकर के सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस जॉब के बारे में जान लेनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जान लेनी है और उसी के बाद फॉर्म भरना है। बाद में ये कहा गया है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड इशू किया जाएगा जो कि आपने नोट डाउन करके सेव कर लेना है किसी सही जगह पर, क्योंकि फ्यूचर में रोल नंबर और कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ, और आप अपने वही नंबर जो हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि वर्क कर रहे हैं, वही नंबर आप जब तक आपकी पूरी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती आप नंबर को एक्टिव रखिए ताकि फ्यूचर में मिसकम्युनिकेशन ना हो। अब आपने अपने पर्टिकुलर्स जितने भी भरने हैं, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि पर्टिकुलर्स अपने करेक्ट भरें, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर आप पाए गए गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए तो आप अगले 3 साल तक कोई भी फॉर्म HPSSSC का नहीं भर सकते। फीस जो है वो 2 मोड में भरी जा सकती है, 1 इज़ ऑनलाइन मोड एंड अनदर इज़ ऑफलाइन मोड, यानी कि चलान से। जब आप चलान से फ़ी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप फीस बैंक में जाकर के फ़ी डिपॉजिट करेंगे तो आपको वहाँ से ट्रांजेक्शन ID और ब्रांच कोड वगैरह मिलेगा जो कि आपने वापस लॉगिन करना है आकर के, और लास्ट डेट से पहले यानी कि 4 अप्रैल 2019 से पहले आपने अपनी फ़ीस की डिटेल्स जो है वो लॉगिन करके वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है। अगर मान लो आपने फॉर्म भी भर दिया 4 अप्रैल 2019 से पहले, फ़ीस भी पे कर दी है, बट वो फ़ीस की डिटेल्स आपने एंटर नहीं की लास्ट डेट से पहले, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनका जो नंबर है वो टेंटेटिव है, मीन्स कि नंबर ऑफ
पोस्ट जो है दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज टाइम टू टाइम, और ये 30/6/19 तक जितने भी डिपार्टमेंट अगर अपनी नई वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं कमीशन को, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को, तो वो उनमें ऐड की जा सकती हैं वैकेंसीज। और जब अब देखिए, क्योंकि ये कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, तो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वो कहेंगे कि लिख के दीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, फिर आपकी मेरिट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से वो आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जिसे ये कह रहे हैं कि मेरिट कम ऑप्शन कम अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट, मींस कि आपकी मेरिट के हिसाब से कम ऑप्शन, मींस जो चॉइस आपने दी है और जो चॉइस दी है वहाँ पर पोस्ट की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इन तीनों ध्यान चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट किया जाए। एंड डिटेल्स ऑफ पोस्ट की कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट्स निकली हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी पोस्ट निकली हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पोस्ट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मांगे गए हैं। जो पे बैंड है वो 10,300 से 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या चीज़ है 10,300 से 34,800। तो दोस्तों ये एक पे स्केल होता है, जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,300 मिलते हैं प्लस आपके ग्रेड पे 3,200 यानी कि 13,500 आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है, और प्लस TA/DA जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती है वो आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके इंक्रीमेंट्स लगते जाएंगे और लास्ट में जो है आपके बेसिक पे 34,800 रहेगी प्लस 3200 ग्रेड पे रहेगी। डिफरेंट पोस्ट्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट्स जो हैं अलग अलग निकली हैं। जैसे बिलासपुर में देख करके रखा है कि जनरल अनरिजर्व की 4 पोस्ट हैं, जनरल BPL की 2 पोस्ट है, SC अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, SC BPL की 1, ST अनरिजर्व की 1, OBC अनरिजर्व की 1 और टोटल है 10 पोस्ट। दूसरे चंबा में 17 पोस्ट दे रखी हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन पोस्ट को देखिए और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी पोस्ट आपको आई हैं। ये हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, ये इन जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ की वैकेंसीज दी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि कौन सी वैकेंसीज जो हैं आपके एरिया में कितनी हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ वैकेंसीज। सेकंड टाइप ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सारी पोस्ट हैं। पे बैंड दे रखा है 5,910 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे। तो इसकी एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल अनरिजर्व, मीन्स कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके इन पोस्ट्स को, और आप देखिए कि आप इनको, आप इंटरेस्टेड हैं इस डिपार्टमेंट में जाने की या नहीं। उस तरह से ये आपकी अगली वैकेंसीज है, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पंचायती राज, होस्टल वार्डन की है इसमें, होस्टल वार्डन की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5,910 से 20,200 तक की बेसिक पे, एक पे बैंड है इनका और 2,800 रुपये ग्रेड पे है। ऑन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की वैकेंसीज हैं, एक ही वैकेंसी है और पे बैंड 10,300 से 34,800 और 3,800 इनकी ग्रेड पे रहेगी। फॉरेंसिक सर्विसेज में मांगी गई हैं, एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, 3 हैं। HP स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आई हैं वैकेंसीज, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, 14 वैकेंसीज हैं। HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रिशियन की हैं, एक ही वैकेंसी है। होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस में भी 3 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लाटून कमांडर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की पोस्ट हैं और 10,300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे बताई गई है। ये तो थी वैकेंसीज़ की डिटेल। अब बात करते हैं कि इन वैकेंसीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज़ और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड इन्होंने दिए हैं, इनके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, मीन्स आप उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो वेरी फर्स्ट वैकेंसी लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर के लिए भाषा अध्यापक इनको कहा जाता है, तो जिन्होंने BA विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर BA हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्लस 2 साल का डिप्लोमा DLED जिसे हम JBT भी कहते हैं, वट एवर नेम नोन, कोई भी नाम है, पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, BA विद हिंदी होनी चाहिए, या फिर आपके पास BA है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन सब्जेक्ट और आपने BED की हो साथ में, या फिर BA फर्स्ट एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ हिंदी में होनी चाहिए, 1 साल की BED होनी चाहिए
50% मार्क्स विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर बीए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, या फिर बीए विद 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन जो होती है उसके लिए प्रभाकर की होना चाहिए जिसको ऑनर्स इन हिंदी कहा जाता है, 50% मार्कर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीए एग्जामिनेशन किया होना चाहिए और एक साल की बीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमए हिंदी है 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए, साथ ही ये सब चीज़ें होने के बावजूद आपके पास एक सेकेंड एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने सीटेट पास किया होना चाहिए, चाहे वो धर्मशाला से है या फिर एचपी बोर्ड धर्मशाला ने कंडक्ट किया हो, एचपी बोर्ड धर्मशाला ने कंडक्ट किया हो या फिर सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर ने कंडक्ट किया हो, कोई भी हो आपका उनमें से क्वालिफाई होना चाहिए। और रिलैक्सेशन तो इसमें हमें पता ही है कि है, 5% की रिलैक्सेशन ओबीसी और एसटी एसटी के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है 731 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, प्लस टू होनी चाहिए, साथ ही में ये देखिए जो नंबर लिखे हैं ना 1 2 3, इट मीन्स आपके पास ये तीनों होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ये और नहीं है, जैसे यहाँ पे और था ना या एंड का मतलब है कि तो कंपलसरीली होनी चाहिए। आपके पास 10+2 होनी चाहिए, 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई से और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। उस तरह से मैकेनिक प्रिंटिंग में अगर हम बात करें तो प्लस टू मांगी गई है, 2 साल का कोर्स मांगा गया है मैकेनिकल प्रिंटिंग में और आईटीआई से या फिर जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त की प्रदान की हो, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें भी। 733 पोस्ट है कॉपी होल्डर में भी प्लस टू का एग्ज़ाम होना चाहिए और साथ में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रूफ रीडिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रेस हैविंग आईएसओ सर्टिफिकेशन। अगली पोस्ट है डिस्पेंसर की, तो डिस्पेंसर में मेट्रिकुलेट चाहिए विद साइंस, तो मेट्रिकुलेट साइंस के साथ ही होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, ये सब क्वालिफिकेशंस चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड 735 लेबोरेटरी असिस्टेंट का फार्मेसी कॉलेज के लिए, तो 10+2 इन साइंस होनी चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 736 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी जिसे कहते हैं, ये होनी चाहिए। 737 पोस्ट पर सीनियर साइंटिस्ट ड्रग्स के लिए, तो मेडिसिन या साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल कुछ भी हो सकती है, या फिर फार्मेसी होनी चाहिए, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इस पूरे को एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए अगर ये फिट बैठती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट कोड है फिटर का, तो मैट्रिक होने चाहिए आप और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईटीआई से फिटर ट्रेड में, जो कि आपने रेगुलर कोर्स से किया हो। होस्टल वार्डन के लिए एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन के पास 10th पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिनेमाटोग्राफी में फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी के लिए बीएससी मेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैट्रिक होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट की बात करें 743 पोस्ट कोड है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल एनवायरमेंटल सिविल इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइकवाइज 745 को आप पॉज करके इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए, अगर मैं सारी रीड आउट करूँगा मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बात की है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की, तो गाइस ये जितनी भी ऊपर इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई जो कि पोस्ट के लिए ज़रूरी ही हैं, इनके होने के बिना तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा आती है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, अगर आपके पास सारी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशंस भी हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा इस पोस्ट के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको हिमाचल प्रदेश के डायलेक्ट्स मैनर्स पता होने चाहिए ताकि आप हमारी सोसाइटी के साथ घुल मिल सकें और लोगों को सर्विस कर सकें। अल्टीमेट एम होता है किसी भी जॉब का सर्विस करना, तो अगर आप किसी रीजन के मान्यताओं को नहीं समझते हैं, वहाँ के मैनर्स को नहीं समझते हैं, कस्टम्स को नहीं समझते हैं, तो आप अपनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और 740 एक पोस्ट है अगर हम देखें तो 740 जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की, इसके लिए कुछ अलग से बताया गया कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
35mm वीडियो कैमरा इंडियन इंस्टीट्यूशन को हैंडल करने के लिए, और साथ में आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर, वही बात की, रीति रिवाज का पता होना चाहिए, यहाँ की प्रथाओं का पता होना चाहिए, यहाँ के रहन सहन का पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज द मोड ऑफ सिलेक्शन, की सिलेक्शन कैसे होगी। डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी सिलेक्शन दो पार्ट्स में होंगी। जो वेरी फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका पेपर होगा जिसमें 170 MCQs पूछे जाएंगे और 85 मार्क्स का पेपर होगा। 170 क्वेश्चन 85 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आधे नंबर का होगा, ये उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें आपको जनरल नॉलेज आ जाएगा, जिसमें हिमाचल का जनरल नॉलेज आएगा, या फिर जिस एरिया का आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लो आप कैमरामैन का पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो उसमें उस एरिया से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल साइंस जिसे हम एवरीडे साइंस कहते हैं, थोड़ी सी रीजनिंग, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स भी पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ये पूछा जाएगा, और ये सब 10th लेवल के स्टैंडर्ड का होगा। मीन्स कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा, जनरल आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो कि था 85 मार्क्स का। सेकंड पार्ट जो है वो बचता है कि 85 के अलावा 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स से आपको मेरिट बनाई जाएगी। तो 85 का तो रिटन टेस्ट हो गया, बाकी बचे 15 नंबर। तो 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे ये बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.5 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आपने कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी हैं, हमने अभी देखा कि डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके पास डिफरेंट डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए। अब आपके उस डिग्री में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं उनको ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 के साथ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो परसेंटेज आई है किसी भी क्वालिफिकेशन में, उसको 0.025 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपके पास 50% मार्क्स आपको आए हैं किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 50% मल्टीप्लाई बाय 0.025, 1.25, तो आपको ये मिल गए ढाई में से 1.25 मार्क्स। तो परसेंटेज के हिसाब से आपको उनको ढाई नंबरों में से कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है, अगर आप किसी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया से हैं या नोटिफाइड बैकवर्ड पंचायत से हैं, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रूफ में एक सर्टिफिकेट देना होगा जो कि कंसर्न्ड SDO, तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपको इशू करेगा। अगर आप लैंडलेस फैमिली हैं जिनके एक हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तब भी आपको एक नंबर एलोकेट होगा जो कि SDO या तहसीलदार या नायब तहसीलदार इशू करेंगे। अर्थात आपके घर के सारे मेंबर यदि प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने आप खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी नहीं करता कोई भी आपकी फैमिली में, तो आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उसके भी एक मार्क्स आपको मिलेंगे। ये भी SDO, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कंसर्न ग्राम पंचायत आपको इशू करेगी। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है आपकी, तो एक नंबर उसका मिल जाएगा और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलाना होगा। NSS अगर आपने की है कम से कम एक साल की, तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। भारत स्पोर्ट एंड गाइड में आप थे तो भी, मेडल विनर है नेशनल लेवल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में, भी एक नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से वो सर्टिफिकेट लाना होगा। ये तो हो गई बातें सारी ज़रूरी। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आपने? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको hpssb.hp.gov.in पर जाना है और वहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपने अपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपने डालना है और स्कैन फोटोग्राफ आपने रखना है, स्कैन साइन अपने पास पहले से रखने हैं जिनका साइज 20 किलो बाइट से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का 10 किलो बाइट से कम होना चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे भरते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप तक आपको वेबसाइट ले जाती जाएगी और आपके पास वो सब कुछ सारा फॉर्म आप आराम से भर पाएंगे। आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी है। अगर आप खुद नहीं भर सकते हैं तो आप लोक मित्र केंद्र में जाकर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के 10 रुपये देने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म एक पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 10 रुपये आपने देने हैं, दो पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 20 रुपये आपने देने हैं, चलान के और चलान के प्रिंटआउट के 10 रुपये और एडमिट कार्ड के 10 रुपये, कुल मिला के अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने उधर 40 रुपये देने हैं, आपका फॉर्म भर जाएगा। आपने दो फॉर्म भरने हैं 50 रुपये में भर जाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस है 360 रुपये। जनरल IRTP कैटेगरी के हैं या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है या एक्स सर्विस मैन है HP के, तो 120 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और HP के SC ST या OBC जो है उनको 120 रुपये
की फ़ीस भरनी पड़ेगी। ये एससी एसटी और ओबीसी जो होंगे हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए, अगर अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। और एचपी के एक सर्विस मैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मोड ऑफ़ पेमेंट जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं बैंक के थ्रू या फिर लॉक मित्र केंद्र से आप कर सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप रिसेप्शन काउंटर पर जा करके पता कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट बोर्ड के दफ्तर जो है वहाँ पर, या फिर आप इन नंबर पर कॉल कर लीजिए और ये इनकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मेल कीजिए, आपको जवाब आएगा। बाकी बाद में आपने एडमिट कार्ड की जो बात की गई है कि बाय पोस्ट आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक कीजिए, वहाँ पर एडमिट कार्ड जनरेट होगा और अपना एप्लीकेशन आईडी डाल के, नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे आपको एक ओटीपी भी आएगा आपके रजिस्टर नंबर पर, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा वेबसाइट पर तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, ताकि पता चल सके कि आप अपना ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, कोई और आपका एडमिट कार्ड तो नहीं डाउनलोड कर रहा है। तो उसके बाद कैटेगरी क्लेम्स वगैरह तो बात की बातें, अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं, लास्ट में आपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाना है और प्रिंट आउट लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का, एंड इट इज़ डन। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि इतने लंबे नोटिफिकेशन नहीं बढ़ पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप सबको जागरूक करने के लिए, इस बारे में बताने के लिए, वो पर्पज़ सर्व हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।